एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राशिद सर्विस सेंटर में, और आइए आज आपको दिखाते हैं कि मशीन अगर कपड़ा ना फेंके, सब कुछ चेक कर लिया, दांते भी देख सकते हो आप, काफ़ी उठे हुए हैं हमारे, ये देख सकते हो, और इस तरीके से देखें बूट भी उठ रहा है साथ में, दांते भी उठे हुए हैं, चाल भी सही है, देखें पूरी फुल ऊपर है चाल हमारी ये, और केम की सेटिंग भी हमारी सही है, फिर भी मशीन देखिए कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही है, तो हमें क्या करना होता है। देखिए दोस्तों, ये चाल भी ऊपर है फुल, सब बात है ठीक है, केम भी ठीक है, सही है, फिर भी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाए तो क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आखिर मशीन में कहां से और कैसे क्या कमी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका केम देखते हैं, दोस्तों केम सही है अपना, बढ़िया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं से चालू करते हैं मशीन को। दांते देखिए फुल चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं इसके, देख सकते हो आप, और कपड़ा लगा रहे हैं तो मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही है, देखिए, और चाल भी ऊपर है फिर भी कपड़ा नहीं भगा रही है, तो क्या कमी हो सकती है, कहां से हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे ये दांते जो हैं, ये दांते जो कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखिए ये डंडा आ रहा है, ये कपड़ा फेंकने का ही काम करता है, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं फेंक रहे हैं कपड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, कहीं हमारा ये पेंच जो होता है दांते को ऊपर नीचे करने के लिए होता है, कहीं लूज तो नहीं है, ये पेंच सही है, बढ़िया बेहतर है। और आइए अब इसको देखते हैं, ये एक ये पेंच होता है जो कपड़े को, इसका काम होता है ऊपर नीचे आगे पीछे भगाना दांत को, और इसका काम होता है दांते को ऊपर नीचे करने का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पेंच जो हमारा लूज है, ये देख सकते हो आप, ये पेंच इसको टाइट करें, इसी वजह से मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही थी, क्योंकि लूज होने के चक्कर में जब उसका कपड़े पर बूट का दाब पड़ रहा था दांतों पर, तो ये रुक जाता था। देखिए ये दिखाते हैं आपको, ये जो है ये अब लूज है, अब आप इसको इस तरीके से पकड़ लोगे तो देखिए खाली ये पुर्जा नहीं चल रहा है, और सिर्फ यही पुर्जा चल रहा है इसका, और जब छोड़ दोगे तो ये इस तरीके चलेगा, तो ये धोखा हो गया। तो फ्रेंड्स, इस पेज को कसें, अब इस पेज को कसने के लिए हमें क्या सेटिंग देखनी है, क्या सेटिंग बनानी है। तो दोस्तों देखिए, आपको दिखाते हैं, ये फ्रेंड्स ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दांते जो देखिए हमारे इस साइड में टकरा रहे हैं पटली के, यहाँ नहीं टकराना चाहिए, तो इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से हल्का सा ऐसे इसको नीचे को बढ़ा दें, देखिए देख सकते हो हट गए। अब ये चाल ऊपर नीचे करके देखें कि हमारे दांते कहीं टकरा तो नहीं रहे, बिल्कुल बढ़िया सही है, और इस पेज को वापस यहीं टाइट कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब मशीन को देखते हैं चला करके कि दांते हमारी मशीन कपड़ा फेंकेंगे या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, कपड़ा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन, और कई काफ़ी कमेंट आती हैं इस पर कि इस पर वीडियो बनाएं कि दांते कपड़ा नहीं फेंक रहे हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ देख लिया सही करके, फिर भी मशीन कपड़ा नहीं फेंक रही है, तो क्या वजह हो सकती है। आज ये मशीन आई थी तो मैंने इस चक्कर में इस मशीन के लिए मैं सोचा लाओ वीडियो बना लूँ, थोड़ी सी ही कमी थी, कोई ख़ास कमी नहीं है, बस उस पेज खुलने से केम भी सही है, आप कहीं छेड़ उस केम को छेड़ें, दांते ऊपर नीचे करें या दांते बदलें या बूट गड़बड़ करें, कुछ नहीं, सिर्फ यही पेंच एक इसका लूज था, तो मैंने वीडियो बनाई, आपको दी वीडियो बना के। तो दोस्तों बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, फिर देखिए दोस्तों, अब इस पर और इसकी एक प्लेट बनाकर गांठ बनाकर चलाते हैं इस पर, देखो फ्रेंड बिल्कुल सही और सीधी चल रही है मशीन, बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को ज़्यादा से लाइक कमेंट और शेयर करें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप बताएं मुझे, इंशाल्लाह कमेंट करें। किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो बताएं, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दूंगा। इस काफ़ी कमेंट आई थी मेरे पास फ़िलहाल में कि दांते कपड़ा आगे नहीं फेंकती मशीन, तो क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बताया, देखिए केम भी हमारा सही है, दांते भी हमारे ऊपर नीचे उठे हुए सही थे, सारी सेटिंग सही थी, बूट की सेटिंग भी सही थी, सिर्फ एक पेच खोला होने की वजह से हमारी मशीन कपड़ा नहीं फेंक रही थी। तो दोस्तों वीडियो में अब तक लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।